नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ गीता और आज मैं बना रही हूँ कुछ फ्लावर वाज, वो भी बेकार बोतलों से। तो ये वाला जो मेरा एरिया था लिविंग रूम का, ये खाली था, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि बोतलें बहुत सारी खाली पड़ी हुई, तो कुछ फ्लावर वाज बनाते हैं। तो ये हैं कुछ खाली बोतलें। तो अब मैं इनको एक एक करके कुछ डिफरेंट टाइप से थोड़ा बहुत DIY करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ले लूँगी वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी अपने हिसाब से लेना है, जितना जिस में करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच वॉल पुट्टी, थोड़ा फेविकॉल और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसे लिक्विड कंसिस्टेंसी का बनाना है और उसके बाद इसे बोतल पर अप्लाई कर देना है। तो इसे हिलाते रहना है जब तक कि ये बहुत ही स्मूद ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें वाइट एक्रेलिक कलर मिलाया है और थोड़ा सा ग्रीन एक्रेलिक कलर, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे क्योंकि मुझे ग्रीन वास बनाना है। तो ग्रीन एक्रेलिक कलर मिला दिया है मैंने और इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने बाद में और ऐड किया, थोड़ा डार्क चाहिए था। तो अब मैं इसे हाथों से ही पूरे बोतल पर अप्लाई कर लूँगी। वॉल पुट्टी से जो भी DIY मैं बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद आते हैं। सबसे पहले तो ये सस्ती बहुत है, 30 रुपये की 1 kg मिल जाती है और इससे हम काफ़ी ज़्यादा DIY कर सकते हैं। और जैसे अगर मैंने इस बोतल पे ये पुट्टी लगा दी है ना, सूखने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और निकलती भी नहीं है। पेंट वगैरह तो निकलने का थोड़ा बहुत चांसेस रहता है अगर उसमें वार्निश वगैरह ना करो तो। बस इसे धूप में मैंने थोड़ी देर के लिए सुखा दूँगी। तो अब दूसरी बोतल में भी सेम मैंने पुट्टी लगा लिया है सेम तरीके से, बस इसमें कलर ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ वाइट रहने दिया है। थोड़ा सा और वाइट करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से पूरा वाइट एक्रेलिक कलर इसमें लगा दिया है। तो एक्रेलिक कलर सूखने के बाद मैंने इसमें गोल्डन कलर किया। तो ब्रश की हेल्प से जो उभरा हुआ पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत गोल्डन कलर किया है, ये मेटेलिक गोल्डन कलर है। तो मेरे 2 फ्लावर वाज रेडी हो गए हैं। अब मैं तीसरा वाला फ्लावर वाज बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा रैपर निकाल दिया है बोतल का। तो इस बोतल पे मैं जैसो लगा लूँगी, स्पॉन्ज की हेल्प से लगा दिया है ताकि अच्छी से फिनिशिंग आए। जैसो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है, यहाँ पर स्टेशनरी शॉप या फिर मार्केट में नहीं मिलती है। तो जैसो 200 रुपये का है 100 ग्राम। तो इसी तरह की और भी चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं, थोड़ी महंगी तो हैं लेकिन बहुत सारे DIY उससे बन जाएंगे। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें चाहिए भी थी और मुझे ट्राई भी करना था कि ये कैसा है। जैसो को सूखने के बाद मैं इसमें मोल्डेड क्ले यूज़ करूँगी। मोल्डेड क्ले में हार्डनर और रेजन दोनों को बराबर मात्रा में लेना है और जितना हमें डिज़ाइन बनाना है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ले लिया और इसे दोनों को मिक्स कर लिया तो ये हार्ड हो जाता है और वेस्ट चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया और जितना मुझे डिज़ाइन चाहिए उतना ही लिया है। अब थोड़ा सा बोतल में ग्लू लगाने के बाद जो भी मैंने क्ले से डिज़ाइन बनाया है वो इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, पिंक, येलो और ब्लू, और तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये वाली बोतल आर्ट कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा बोतल आर्ट करते हैं। तो फिर से मैंने हार्डनर और रेजन दोनों को थोड़ा बहुत जितना मुझे चाहिए उतना ही दोनों को बराबर लिया है और दोनों को मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मुझे इसके फ्लावर बनाने हैं तो मैं इसे बेल लूँगी और उसके बाद मेरे पास ये फ्लावर कटर है तो इसकी हेल्प से मैं फ्लावर इसमें से निकाल लूँगी। तो सारे फ्लावर्स को कट कर लिए हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो अब बोतल में थोड़ा सा ग्लू लगाने के बाद सारे फ्लावर्स को यहाँ पे चिपका लेंगे। तो यहाँ पे पेन कटर की हेल्प से थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना लेंगे।
और इन फ्लावर्स में मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। एक्रेलिक कलर सूखने के बाद मैंने इसमें वार्निश कर लिया है, सील करेगा इसे, कलर निकलेगा नहीं। तो ये वार्निश मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अब कितना इफ़ेक्टिव है वो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। तो आज के ये चारों बोटल आर्ट मेरे तैयार हो गए हैं, अब मैं इनको सजा लेती हूँ अपने लिविंग रूम के एक कॉर्नर पर जहाँ पर इनको सजाना है मुझे। इन बोटल्स में मैंने सिंगल फ्लावर्स डाले हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये ट्यूलिप इन बोटल्स में, और दूसरे वाले बोटल्स में मेरे पुराने फ्लावर्स थे घर पे रखे हुए तो मैंने वो डाल दिए हैं। मुझे लगता है कि ट्यूलिप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह के सिंगल फ्लावर्स मार्केट में मिल नहीं रहे थे, बस ये ट्यूलिप्स मिले तो मैं इन्हीं को लेके आई हूँ। हाँ, रियल फ्लावर्स ज़रूर मिल रहे थे बट आर्टिफिशियल नहीं मिल रहे थे कहीं भी। तो बस आज की ये वीडियो यहीं पर कम्प्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए किसी और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।